हेलो स्टूडेंट्स, सभी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट ओपन हो गया। बहुत खुशी है, सभी अच्छे अच्छे डिवीजन से पास हो गए। जादौन्स ग्रुप ऑफ स्टडीज आनंद जादौन की तरफ से सभी छात्रों को ढेर सारी बधाइयाँ। बच्चों, रिजल्ट आ गया, बहुत खुशी है कि आपने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया, लेकिन साथ में अब ये भी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौतियाँ अब आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। 12वीं पास के बाद ही आपको सोचना है कि अब आपको अपना जो भविष्य है वो किस क्षेत्र में बनाना है, क्योंकि 12वीं वह चौराहा है जिससे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। अब आपको किस रास्ते पर चलना है ये यहीं से ही डिसाइड करना है, निर्णय यहीं लेना है, क्योंकि आज के इस प्रतियोगी वातावरण में जरा सी भी देर आपको हजारों लाखों बच्चों से पीछे ले जा सकती है। इसलिए अब 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करना है, साइंस साइड लेना है, आर्ट्स साइड लेना है, क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सारा आपको अभी से ही तय करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा और यहां पर महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों, ये जो डिसीजन आप लें वो डिसीजन आप अपना सेल्फ की, अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं उनको देखकर, अपने पोटेंशियल को देखकर, अभी 10th और 12th में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, देश के, समाज के, प्रदेश के निर्माण में आपको कहाँ अपना योगदान देना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए। और जो निर्णय आप यहाँ पर लें, उस निर्णय पर आप पूरी तरीके से 100% उस निर्णय पर आप खड़े उतरे। अगर आप चाहते हैं आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको इंजीनियर बनना है, आप IIT की प्रिपरेशन कीजिए, JEE की कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आप IAS बनकर, IPS बनकर, IRS बनकर, IFS बनकर, डिप्टी कलेक्टर, DSP बनकर, आप तहसीलदार बनकर, अगर आप समाज के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं, पावर के साथ अगर आप अपनी काबिलियत को राष्ट्र निर्माण में अगर जो है लगाना चाहते हैं, तो आप 12वीं के बाद से ही मानविकीय विषय लेकर के आप जो है भाई UPSC PSC की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से आप UPSC PSC या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में जादौन्स ग्रुप ऑफ स्टडी के अंतर्गत एक आर्यांश कॉलेज मैंने स्थापित किया है। ये अपने तरीके का एक अलग कॉलेज है, यूनिक कॉन्सेप्ट पर है ये कॉलेज। जिबाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नंबर वन कॉलेज है। इस कॉलेज में हम ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे को कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं, और केवल कंपटीशन की तैयारी नहीं कराते, उसको हम बेहतर एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट भी देते हैं। बच्चे को सुबह से हम लेते हैं 8 बजे से और शाम को 4 बजे छोड़ते हैं। उस बच्चे को हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जो भी करना चाहे
यूपीएससी की तैयारी, पीएससी की तैयारी, डिफेंस की, एनडीए, एक्स ग्रुप, बाई ग्रुप, जो भी करना चाहे वो हम उसको करवाते हैं। उसके साथ में उसको फिर हम एकेडमिक में पूरा कराते हैं, वो बीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, ये सारी सामान्य ग्रेजुएशन की भी अपनी तैयारी उसी के साथ में करता है। हमारी अपनी बसें हैं, वो उन बच्चों को लाती हैं, कोचिंग लाती हैं, फिर कॉलेज ले जाती हैं, और कॉलेज में वो बच्चा पूरा एकेडमिक पढ़ता है, उसको कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। और हम सरकारी फीस के बराबर फीस में बच्चे को 4 साल तक हम बच्चे को कंपटीशन कराते हैं, और इसके साथ साथ उसको ग्रेजुएशन कराते हैं। बच्चों, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने तो कहीं नहीं देखा। इसमें आपको सुबह से लेकर के शाम तक एक ही इन्वायरमेंट मिलता है, एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलता है। आपके साथ में जो भी लोग हैं वो सब सामान्यतः आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं। कोई यूपीएससी तैयारी करने वाला है, कोई पीएससी की, कोई डिफेंस की तैयारी करने वाला है, सारे के सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो जिन्होंने अपना एक एम लेकर के चल रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा और कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट रहता है। इसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम, ऐसे राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें, स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीज़ें सामान्यतः हम बच्चे को कॉलेज कैंपस में कराते हैं, ताकि वो बच्चा अगर डिफेंस में जा रहा है तो उसका एसएसबी भी बहुत अच्छा हो, अगर वो यूपीएससी पीएससी तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रूव हो कि वो जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो हाइएस्ट मार्क्स वहां से वो गेन करे। पूरा ओवरऑल एक एक बच्चे के ऊपर हम और हमारी पूरी टीम पूरा ध्यान देती है। मेरे साथ साथ दिल्ली की, हैदराबाद की बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो आकर के सामान्यतः बच्चों को यूपीएससी पीएससी के लिए तैयार करते हैं। इंग्लिश मीडियम में पूरा कॉलेज एजुकेशन, और इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी पीएससी डिफेंस एसएससी और एसआई, सात के सेपरेट बैच हैं प्री मेंस के, और सभी की तैयारी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग होती है। इस तरह की व्यवस्था हर स्तर पर जाकर के प्रदेश के शायद ही किसी संस्थान में हो। तो बच्चों, बेहतर कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। आवश्यकता सिर्फ यह है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आपके साथ पर बटे। करना आप ही को है, निर्णय आप ही को लेना है, लेकिन निर्णय यहां पर आप लीजिए, और एक अच्छा निर्णय लीजिए। अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल के अंदर इधर ग्रेजुएशन और इधर अगर 3 साल के अंदर यूपीएससी पीएससी की बहुत अच्छी अगर तैयारी होती है, और 21 साल की एज में अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को इससे बेहतर रिटर्न गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। इसलिए 12th का जो रिजल्ट आया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको बधाई है। लेकिन बेटे, अब करने का समय आ गया, अब आगे बढ़ने का समय आ गया, अब रुकने का नहीं, अब चलने का समय आ गया। और हमें पता है कि हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम, और जिस तरफ भी हम बह पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाए। तो बेटे, आप तो खुदा की वो नेमत हैं, वो हीरे हैं, वो कोहिनूर हैं, थोड़ी सी बस पॉलिश की जरूरत है, उसके बाद आप ही आप और आपकी चमक पूरे संसार, पूरा देश, पूरा परिवार, समाज सब में दिखे। बेटे, यहां से बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और दृढ़ निश्चय लीजिए कि आपको क्या करना है, और बिल्कुल जुट जाइए, और बेरोजगारों की लाइन से आप अपने आप को अलग रखिए। आनंद जादौन का ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे, सभी बच्चों को समय पर रोजगार प्राप्त हो, और रोजगार भी
बच्चे की काबिलियत और उसकी इच्छा के अनुरूप। इसलिए बेटे बस आगे बढ़िए और आनंद जादून का मार्गदर्शन, आनंद जादून की पूरी 40 से 50 लोगों की टीम का मार्गदर्शन आपके साथ है, आपके लिए है। धन्यवाद।